And the Indian government has reportedly launched a major investigation into Telegram. This probe could result in a ban if the findings warrant it. So recently एक incident हुआ है जिसके अंदर Telegram के CEO Paris के अंदर पकड़े गए हैं और इस न्यूज ने इतना ज्यादा तहलका मचा दिया है हमारे इंडिया के अंदर कि बहुत सारे रेप्यूटेड न्यूज़पेपर ये क्लेम कर रहे हैं कि टेलीग्राम अब ज्यादा देर इंडिया में सर्विसेज नहीं दे पाएगा। और अगर आप गूगल पर डालते हैं टेलीग्राम बैन इन इंडिया तो बहुत सारे आपको आर्टिकल मिल जाएंगे जहाँ पे वो लोग सिंपली क्लेम कर रहे हैं कि अब टेलीग्राम जो है वो इंडिया के अंदर बैन होने वाला है। दोस्तों हालांकि इस न्यूज़ में कितनी सच्चाई है और कितनी नहीं वो मैं आपको इस वीडियो के एंड तक कंप्लीट बता दूंगा, लेकिन क्या रीज़न है ये बात आने के, रीज़न क्या है और टेलीग्राम का जो CEO है उसके अरेस्ट के क्या रीज़न थे? तो गाइस यहाँ पे एक सिंपल सा रीज़न है। पहले आपने देखा होगा यूटोरेंट वगैरह ये चलता था कि कोई भी मूवी आती थी वो पायरेट हो जाती थी। सो हम बेसिकली देख रहे हैं कि न्यूज़पेपर में ये भी क्लेम किया जा रहा है कि जो नीट का एग्ज़ाम था वो भी टेलीग्राम के थ्रू वायरल हुआ था। प्लस इसके अलावा जो भी ट्रेडिंग ऐप्स हैं जो इलीगल हैं इंडिया के अंदर लाइक डब्बा ट्रेडिंग एंड ऑल, वो भी टेलीग्राम पे ऑपरेट करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे टेलीग्राम क्या है, एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है। जैसे कि आपने कभी नाम सुना होगा विकिपीडिया का, तो उसी तरीके से टेलीग्राम भी है। विकिपीडिया एक ओपन सोर्स है, वही टेलीग्राम भी एक ओपन सोर्स एप्लीकेशन है। टेलीग्राम ने रिसेंटली अपनी करेंसी लॉन्च की है जिसका नाम है टोन कॉइन, वो भी 15% से नीचे गिर गया था जब ये न्यूज़ आई थी। तो इन शॉर्ट बात यह है कि लोगों का क्लेम ये है बड़े बड़े न्यूज़ आर्टिकल्स का कि टेलीग्राम एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे इलीगल चीज़ों को बढ़ावा दिया जाता है और जहाँ पे इलीगल चीज़ करना काफ़ी ईजी है, इसीलिए इस एप्लीकेशन का बैन होना ज़रूरी है। लेकिन अगर हम दूसरी साइड देखें तो इलीगल चीज़ तो सारे एप्लीकेशंस पे होती है, फेसबुक इंस्टाग्राम हर जगह, यूट्यूब पे भी कभी कभी मूवीज़ आपको मिल जाती हैं, आप पूरी लॉन्ग वीडियोज मूवी जो है वो देख सकते हैं। और रही बात ट्रेडिंग की तो ट्रेडिंग के काफ़ी सारे चैनल यूट्यूब पर है जहाँ पर टिप्स वगैरह दी जाती है, लोग लेते हैं और फेसबुक इंस्टा पर भी एड रन करे जाते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा रीज़न नहीं है कि टेलीग्राम को बैन करना चाहिए इन पॉइंट्स के पीछे। और रही बात इन न्यूज़पेपर की आर्टिकल्स की, तो ये दोस्तों अभी तक सिर्फ क्लेम्स हैं, अपन ये नहीं बोल सकते कि भाई ये किसी गवर्नमेंट ऑफिशियल का कोई आया है आर्टिकल या कुछ ऐसी बात है, ये सिर्फ क्लेम्स हैं और ये सारे के सारे एक अनुमान लगा रहे हैं, फॉल्स क्लेम हैं। आपको तो हमारे इंडिया की मीडिया के बारे में पता ही है। तो अभी ये सिर्फ क्लेम्स चल रहे हैं और अभी जो CEO जो गिरफ्तार हुआ है टेलीग्राम का उसके बारे में भी प्रॉपर डिटेल नहीं आई है कि उनको क्यों गिरफ्तार किया गया है, कोई पर्सनल रीज़न की वजह से किया गया है या टेलीग्राम की वजह से किया गया है, इस पर भी अभी तक प्रॉपरली क्लियरिटी नहीं है। तो गाइज अभी टेलीग्राम बैन नहीं होने वाला, आप देख सकते हैं इस आर्टिकल को, उसमें प्रॉपर लिखा हुआ है टेलीग्राम बैन नहीं होगा और टेलीग्राम कंटिन्यूसली अपनी सर्विसेज इंडिया के अंदर प्रोवाइड करता रहेगा। दोस्तों आशा करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, आपको इन्फॉर्मेशन मिली होगी, इसको आप अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए जो डरे हुए हैं। बाकी मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।